Published by Jayco Publishing House, Tamil Bandhupadhyay's Sahara, The Untold Story has finally been launched after prolonged tussle between the writer and the Sahara group. In the writer's words, it could be termed a ready reckoner to the Sahara story. When we caught with the author, he told NNIS that this is just the icing on the cake, and a lot more will come out after Sahara Shri is released. Sahara, The Untold Story was launched days ago in Kolkata. It has been written by acclaimed journalist Tamil Bandhupadhyay. The book could have been released earlier, but the Sahara India Parivar had moved the Calcutta High Court in December, which got a stay on its publication. Sahara had claimed a 2,200 crore defamation suit against Bandhupadhyay and the publisher. The suit was withdrawn in April after a settlement was reached between Sahara and the author. As per the settlement, a disclaimer in the book reads the book has defamatory content and insinuations, but the group has allowed publication for journalistic freedom. Tamil Bandhupadhyay gives out some basic numbers. As I said, you know, journalists are a curious tribe. Always we are curious what is happening around them. तो सहारा के बारे में सबको क्यूरियोसिटी है क्योंकि ये 4799 ऐसे कंपनी है उनका एस्टैब्लिशमेंट है उनका 18 तरीका 18 काइंड ऑफ बिजनेस इज देयर इन और क्या है पूरा अनलिस्टेड कंपनीज है इतना है उनका देखिए 1.4 ट्रिलियन उनका एसेट्स है 1.5 ट्रिलियन एसेट्स है लेकिन उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है क्या है वो क्या करते हैं कुछ नहीं है बिकॉज उनका लिस्टिंग नहीं है तो उनका जो डिस्क्लोजर नॉर्म कुछ है नहीं है जो क्वार्टरली जो क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है किसी को कुछ पता नहीं है इसके बारे में This is Bandhupadhyay's second book. His first book, A Bang for the Buck, was a non-fiction bestseller. The latest book is based on research and interviews with a cross-section of professionals across the country to demystify India's most secretive and largely unlisted conglomerate. Tamil Bandhupadhyay said that there were many positives about Sahara as well. He said his book dealt with all aspects of Sahara. उन्हें केस किया एंटायर बुक का जो है उनके उनका रिजर्वेशन था उनका ऐसे कहना था जो ट्रीटमेंट है उसको सहारा को बैड लाइट में दिखाने का एवरीथिंग इट्स नॉट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट और ये खराब है वो खराब है ऐसे नहीं है पूरा जो ट्रीटमेंट है उनका सोचना ये है जो मैं एंटी सहारा हूँ और सहारा के बारे में बट लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ मैंने ऐसे बोला मैंने जो गुड बैड अगली सब कुछ मैंने लिखा वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कारगिल विडो का जो अपने उन सपोर्ट कर रहे हैं और मुंबई टेररिस्ट अटैक ताज होटल में जितना पुलिस ऑफिसर जो मर चुका है उनको जो पत्नी को जो उन लोग हेल्प कर रहे हैं और 101 कोई शादी दे रहे हैं हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ऐसे वगैरह एवरी ईयर एक कैसे कर एक तरीका कर रहे हैं तो जितना CSR एक्टिविटीज़ है वो कितना विलेज को उन लोग अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो भी मैंने लिखा मैंने मेरा कुछ प्रिकॉन्सिव नोशन ऐसे नहीं था सुब्रत रॉय को मैं विलेन दिखाऊं शैतान दिखाऊं नहीं गॉड दिखाऊं Sahara the Untold Story strives to answer everything you wanted to know about Subrata Roy and Sahara India Parivar but were afraid to ask. मेरा इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है उनको वापस आने दो जेल से वापस आने दो अभी कहाँ से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं क्या दे ये सब मुझे पूछताछ करके मुझे जांच करके मुझे फिर दो चैप्टर लिखना है लास्ट वर्ड एक बुक एक किताब लास्ट वर्ड नहीं है एक किताब सिर्फ मुखड़ा है जिसको एपिटाइजर बोलते हैं आप इस सहारा के बारे में एपिटाइजर है आप पढ़ के आप थोड़ा आपको आपको क्यूरियोसिटी होगा आपको क्वेश्चंस आएगा आप फिर कोशिश करेंगे क्या है इसके बाद देखने के और मैं ऑथर का हैसियत से ये मेरा जिम्मेदारी है आपके पास फिर एक साल बाद आना और उसका पूरा फिर डॉक्यूमेंट पावर्ड बाय NNIS